इधर आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अपना बैग उतारो ना। छोड़ो मुझे। एक मिनट प्लीज, ये साड़ी पहन लो, मेरी नौकरी का सवाल है। क्या मतलब? अरे मैंने अपने ऑफिस में बताया कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, ताकि उन लोग को लगे कि मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ताकि मुझे पैसे भी ज्यादा मिले। और पिछले 2 हफ्तों से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। मैंने ऑफिस में बताया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, ऊपर से मेरा मैनेजर आज ही घर आने वाला है, वो देखे बगैर जाएगा नहीं, मेरी बीवी को बड़ा ढीठ इंसान है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, साड़ी पहन लो ना प्लीज। कितने गिरे हुए आदमी हो तुम, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। अरे गिरना पड़ता है, गिरना पड़ता है। अगर मैं गिरूंगा नहीं तो कंपनी वाले मेरे ऊपर पैर रख के ऊपर कैसे चढ़ेंगे, ऊंचाइयां कैसे छुएंगे? 5,000 लगेंगे। ये लो। और रात होते मैं निकल जाऊंगी, तुम्हारी शक्ल देख के भरोसा नहीं हो रहा है मुझे। अरे तो मुझे कौन सा शादी करनी है तुम्हारे साथ? बेइज्जती करने के 1,000 लगेंगे। चेंजिंग रूम कहाँ है? अरे मॉल में नहीं आई हो, मेरे घर में आई हो, बेडरूम वहां जाके चेंज कर लो। ओह नो। सुनो, तुम्हें सारे सवालों के जवाब याद तो है ना? कोई डाउट तो नहीं? नहीं तो अभी पूछ लो, उनके आने के बाद कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो प्लीज, कॉलेज में मैंने बहुत नाटक किए हैं। ओए यश, ओए दरवाजा खोल दे, अब मैं आ गया कुलजीत। ये आवाज कहीं सुनी हुई क्यों लग रही है? अरे इतना तेज बोलते हैं, पूरे शहर में इनकी आवाज सुन रखी होगी। क्या नाम है तुम्हारे मैनेजर का? ओए कुलजीत। ओ नो। ओए यश, ओए कितनी देर करता दरवाजा खोलने में, देख पसीना पसीना हो गया मैं। बबी जी कहाँ है? वो बेडरूम में आराम कर रही हैं। तो चलो अंदर फिर। फॉर्म भर गया। ओए आ जाओ। ओए ओए मैं क्या, नमस्ते परजाई जी। ओए सर, ओए ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? लगता है तूने मेरे बारे में बताया नहीं इनको। चल कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। परजाई जी मेरा नाम कुलजीत है, मैं इसके ऑफिस में इसका सीनियर हूँ। वैसे तो ये मेरा दोस्त है, पर ना मैं ना दोस्ती और प्रोफेशन एकदम अलग अलग रखता हूँ। क्या है कि जरूरत पड़े तो मैं इसकी टांग भी खींच सकूं। भाभी जी बोलिए, क्या सही सही कहा कि नहीं? भाभी जी बोलिए ना, एक बार बोलिए सही कह रहे। ओए इनकी हाँ कितनी सोनी है। तो मैं क्या भाभी जी? सर मेरी बीवी है ना, मेरी बीवी सपना नहीं है। ओए हाँ हाँ हाँ, तेरी बीवी यार। वैसे नाम क्या बताया था? सीमा प्रीति। सीमा प्रीति, वो ये कैसा नाम हुआ? क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता? जब नील नितिन मुकेश हो सकता है तो प्रीति सीमा क्यों नहीं हो सकता? ओए हाँ हाँ हो सकता है यार, तू नाराज मत हो यार। परजाई जी मुंह क्यों नहीं दिखा रही है? एक मिनट दीजिए ना, मैं जाके पूछता हूँ। हाँ हाँ पूछ। अरे क्या हुआ, तुम तो कह रही थी बड़े नाटक वाटक करती हो, हाँ चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? मैं नहीं दिखाऊंगी। अरे 5,000 रुपए और दे दूंगा, दिखाओ चेहरा, बहुत ढीठ आदमी चेहरा दिखे बगैर नहीं जाएगा वो। और 50 दोगे ना तब भी नहीं दिखाऊंगी। अरे क्यों? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ क्यों कर क्या? ओए क्या क्या, इतनी बड़ी क्या क्यों कर रहा है तू? नहीं सर, वो क्या है ना कि मुझे अभी पता चला है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। ये तो खुशी की गल है। हाँ सर वो तो है, पर ऐसे टाइम पे हमारी फैमिली की औरतें अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं होती हैं। हैं? हाँ। हाँ नहीं सर, वो क्या है ना कि प्रेगनेंसी का टाइम है ना सर, तो इस समय में इसको किसी गंदी शक्ल वाले आदमी को दिखा नहीं सकते। ओए मेरी इतनी गंदी है? ओए इनके हाथ कितने सोने हैं, एकदम सपना जैसे। हाँ छोड़। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि सपना नहीं है ना, मेरी बीवी है, मेरी भी याद आया आपको? यार क्या याद दिला दिया यार। वो एक मिनट यार, मेरे को हर्ट हुआ थोड़ा। ओ यार एक मिनट, एक फोन कर लूं? कर लीजिए सर। अरे क्या सुनूं, सुनने देखने को अब रह क्या गया है?
अगर आपको यही पसंद था तो आप बता देते मेरे को, मैं शादी ब्याह के बारे में नहीं सोचता आपके साथ। ओए अपनी बीवी का ख्याल रखिए, वो ये ठीक हो जाए तो ऑफिस आ जाना, चलता हूँ परजाई जी। रुकिए सर, सर इसमें गलती आप दोनों की नहीं है, गलती मेरी है। दरअसल मैंने ये सब झूठ कहा था और पता नहीं कब मैं अपने ही झूठ में फंसता चला गया। अब ये मेरी बीवी नहीं है, ये आपकी सपना है सपना, और हमारी शादी भी नहीं हुई है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये तो बेचारी डिलीवरी देने आई थी, मैंने इनकी मदद मांगी और इन्होंने हाँ कर दी। ये आपकी है सर, हमारी नहीं है। ओए तू नाटक कर रही थी यार, ओए जब भी पा यार, ओए तू नहीं, ओए साइड हट, सपना मेरी सपना। मेरे को एक बात बता, तुम मुझे प्यार करती है ना? हाँ और नहीं तो क्या, तुम तो मुझे छोड़ के जा रहे थे। ओ सॉरी यार, बाय हार्ट सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। तू है, तू मेरे को मंडे ऑफिस में मिल, नहीं तेरे को फाइलों के बोझ तले दबा के मार दिया तो मेरा नाम कुलजीत नहीं। ओए हट। ओ सर, सर रुकिए, आलू के पराठे बना के रखे थे मैंने सर। गड़बड़ हो गई है। तो कैसे लगी आप सबको हमारी कहानी? ऐसी और कहानियां देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जस्ट कहानियां।